पीएसए लाने वाले आप थे, पैलेट को यहाँ लाने वाले आप थे, आप व्हाइट कॉलर मर्डरर्स है ऐसा कहा जाता है, आपने यहाँ पर जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उनको बेचा यहाँ, हमें वो तो कह रहे इलेक्शन रिगिंग से ये सब हुआ। माफी चाहता हूँ ना, बंदूक लाया किसने? तो इन स्टेटमेंट्स पे आप क्या कहेंगे लोगों को? मैं क्यों कहूँ कुछ? जिन लोगों ने खुद अपनी हाथों में बंदूकें उठाई वो मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगाएंगे? सब आप बंदूक की बात कर रहे हैं, वहीं ये भी इल्जाम तो लग रहा है कि इकवानीज के साथ आपका लिंक था। 1996 से 2002 तक इकवानीज एक्टिव थे, आप जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है उनको एड्रेस करते थे, उनकी जो इवेंट्स होते थे उनकी रैलीज में जो है वो भाषण देते थे, आज भी हैं। और ये भी कि उनको मैंडेट भी दिया गया, जिन्होंने लोगों को मारा हर पार्टी ने दिए, उनको मैंडेट भी दिया गया। आज कोई ऐसी तंजीम नहीं है कश्मीर में जो आपको ये कह सके उन्होंने किसी फॉर्मर इखवानी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। जो कल तक बॉयकॉट का कॉल दे रहे थे आज नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? वो आप उनसे पूछे, मैं कैसे कह सकता हूँ? जाइए मीरवाइज साहब से पूछिए, खुल के कहता हूँ, मैं फखर से कहता हूँ कि मैंने वाजपेयी साहब के साथ काम किया, मुझे फखर है कि मैंने किया। हम 2010 की बात करें, क्या केबल टीवी नेटवर्क्स आपकी दौर हुकूमत में बैन नहीं हुई थी? हुई थी। क्यों हुई थी? हालात थे ऐसे। आज क्या? मैंने कभी नॉर्मलसी का उस दौर में क्लेम नहीं किया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है उमर साहब, जैसे हम कांग्रेस की बात करते हैं, आज आप कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, बट उस दौरान अगर चौधरी लाल सिंह की बात करें, उधमपुर के कैंडिडेट खड़े किए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आप सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर रह चुके हैं। 2018 में जो कुठुआ रेप केस हुआ था उसमें वो जो अक्यूज थे उनके सपोर्ट में उन्होंने रैली निकाली, लेकिन आप ही का बयान था पिछले साल अगर हम 2023 जनवरी की बात करें तो आपने कहा जी भारत जोड़ो यात्रा में इनको कांग्रेस इजाजत नहीं देनी चाहिए पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि ये कोशिश करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को यूज करने की एज ए व्हाइट वॉशर। तो आज जब आप उनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं तो वो ये व्हाइट वॉशिंग कौन कर रहा है आज? मैं लाल सिंह की कैंपेन नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस के उम्मीदवार की कैंपेन कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं चुन सकती, ना कांग्रेस मेरे उम्मीदवारों में दखल दे सकती है। तो मतलब अगर कोई प्रो रेपिस्ट है तो आप उसकी कैंपेनिंग करेंगे? मैं फिर ये बात दोहराता हूं, मैं लाल सिंह के लिए कैंपेन नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए कैंपेन कर रहा हूं। सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूं, आप ये सवाल महबूबा जी से क्यों नहीं करते? जाइए पूछिए उनसे, उनके दौर में उन्होंने लाल सिंह को हुकूमत से निकाला या नहीं निकाला? क्या पिछले दिनों जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या कहा? क्या नहीं कहा कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं? कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? कर रही हैं ना, तो फिर ये सवाल आप उनसे जाके भी करिए ना।